वेलकम टू साउथनाथ भोजन। आज हम और एक रेसिपी लाए हैं जो उपास में खाते हैं। वो स्वीट पोटैटो से बनता है, वो है रतालू टिक्की। चलिए वो बनाने के लिए क्या क्या लगेगा हम देखेंगे। 200 ग्राम स्वीट पोटैटो लिया है, उबाल के उसको छिलका निकाल के रखे है। थोड़ा से धनिया, 5 मिर्ची हरा मिर्ची काट के लिया है, थोड़ा से अदरक को घीस के रखे है, 1 चम्मच जीरा, 3 चम्मच साबुदाना को दरदरा पीस के लिया है, थोड़ा से काला मिरी, स्वाद अनुसार नमक, फ्राई करने के लिए तेल। जो हमने दरदरा पीस के लिया है साबुदाना, इसको मैंने 3 चम्मच पानी डाल के आधा घंटा भिगा के लिया है। चलिए अभी हम टिक्की बनाते। हमने एक बाउल लिया है, उसमें जो उबाल के रखे वो रतालू हम अभी डालेंगे। इसमें थोड़ा स्मैश करेंगे। अभी हमने स्मैश किया है, इसमें जो हमने धनिया रखा है वो डाल देंगे, जो अदरक घीस के रखा है वो भी डालेंगे, मिर्ची काट के रखा है वो भी डालेंगे, जीरा है इसका थोड़ा हाथ से स्मैश करके डालेंगे, और ये उपास वाला नमक है, काला मिरी पाउडर। हम अभी इसमें गरम मसाला नहीं मिलाएंगे, इसीलिए काला मिरी पाउडर हम यूज कर रहे हैं। टेस्ट के लिए डालने का है। जो साबुदाना हमने भिगा के रखा है वो भी इसमें थोड़ा से ऐड करेंगे। ये ऐड करने से थोड़ा क्रिस्पी आएगा है। अभी अच्छे से मिलाने का है। अभी सब अच्छे से मिक्स हो गया है। हम ये थोड़ा से लेके बॉल बना के इसको हम अभी टिक्की बनाएंगे। ज्यादा चपटा मत कीजिए, नहीं तो वो बड़ा जैसा दिखेगा। वैसा ही अभी हम बाकी आटा को भी बना लेंगे। अभी हमने सारा टिक्की रेडी कर दिया है, अभी हम फ्राई करेंगे। गैस चालू किया है, एक पैन रखा है, उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे, फुल फ्लेम में ही रखा है, थोड़ा गर्म होने देंगे। अभी तेल गर्म हो गया है, एक एक टिक्की हम तेल में डालेंगे। अभी अभी गैस को थोड़ा मीडियम में रखने का है। अभी देखिए पूरा तेल को टिक्की ने सोख लिया है। अभी हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे टिक्की का ऊपर। अभी धीरे से एक एक को हम पलट के फ्राई करेंगे। अभी पूरा टिक्की को हमने पलट लिया है और 10 मिनट मीडियम गैस रख के हम फ्राई करने का है। ट
टिक्की फ्राई होने तक हम एक हरा चटनी बना के लेंगे। ये उपास में खा सकते हैं चटनी। एक छोटा टमाटर को काट के लिया है, थोड़ा से धनिया, जीरा लिया है, दो हरा मिर्ची काट के लिया है और उपास वाला नमक। अभी हम पीस के लेंगे। अभी हम चटनी पीस के ले लिया है, अभी हम टिक्की को देखेंगे। अभी देखिए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे। अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हमारा उपवास में खाने वाला रतालू टिक्की रेडी है। आप भी अपना घर पे बना के देखिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को भी क्लिक कीजिए।